हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में। इसके फर्स्ट ओडीआई मैच को आप 16 अगस्त दोपहर के 2:30 बजे से देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यह मैच रॉटरडैम के हेजेलारवेग में खेला जाने वाला है। पिच की बात की जाए तो पिच बैलेंस्ड है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 250 देख सकते हैं। इस पिच पर अगर पिछले 4 मैचेस में विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो 50% फर्स्ट बैटिंग करने वाले जीते हैं, 50% सेकंड बैटिंग करने वाले जीते हैं। वेदर की बात की जाए तो बारिश होने की संभावना नहीं है। टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने वाली है, वहीं ह्यूमिडिटी 77% रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अब अगर इनके बीच खेले गए हेड टू हेड मैचेस की बात की जाए तो इन दोनों टीम्स के बीच इससे पहले 2 बार मैचेस हुए हैं, जिसमें दोनों ही बार पाकिस्तान की जीत हुई है। अब अगर नीदरलैंड के पिछले 5 मैचेस की बात की जाए तो 5ों मैचेस में हार हुई है, वहीं पाकिस्तान के पिछले 5 मैचेस को देखा जाए तो 5ों मैचेस में जीत हुई है। अब अगर पिछले 5 मैचेस के आधार पे टीम एनालिसिस किया जाए तो ओपनिंग में दोनों ही टीम स्ट्रॉन्ग है। मिडिल ऑर्डर और बैटिंग डेप्थ की बात की जाए तो दोनों टीम स्ट्रॉन्ग है। पेस बॉलिंग में नीदरलैंड की टीम एवरेज है, पाकिस्तान की टीम स्ट्रॉन्ग है। वहीं स्पिन बॉलिंग में नीदरलैंड की टीम एवरेज है, पाकिस्तान की टीम स्ट्रॉन्ग है। अब अगर मैच विनर की बात की जाए फ्रेंड्स, तो नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान के इस फर्स्ट ओडीआई मैच में हमारे एनालिसिस के अनुसार पाकिस्तान के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपकी क्या थिंकिंग है फ्रेंड्स इस फर्स्ट ओडीआई मैच को लेकर? आपके अनुसार कौन सी टीम जीत सकती है? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें फ्रेंड्स। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।